which a heavy element disintegrate itself without being forced by any external agent to do so. अपने आप ही एटम टूटते जाते हैं और एक स्टेबल अनस्टेबल न्यूक्लियाइड स्टेबल न्यूक्लियाइड में कन्वर्ट होता जाता है. इस प्रोसेस को रेडियो एक्टिविटी बोलते हैं. और रेडियो एक्टिविटी के अंदर तीन टाइप की रेडिएशंस निकलती हैं, अल्फा, बीटा एंड गामा. अल्फा बीटा जो रेज होती हैं ये इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड इनको अफेक्ट कर सकते हैं. गामा रेज न्यूट्रल होती हैं, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड का इन पे कोई असर नहीं होता. तो ये पता लग रहा है इससे नेचर है अल्फा की. अल्फा की नेचर ये है, अल्फा पार्टिकल के ऊपर डबल दी पॉजिटिव चार्ज ऑफ प्रोटोन है. सेकेंड है मास ऑफ अल्फा पार्टिकल 4 टाइम दैट ऑफ हाइड्रोजन है. पेनिट्रेटिंग पावर इसकी स्मॉल है, आयनाइजिंग पावर इसकी बड़ी है. फ्लोरसेंस ये शो करते हैं एंड आर डिफ्लेक्टेड बाय इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड. प्रॉपर्टीज हैं ऐसी बीटा की, प्रॉपर्टीज हैं इनके ऊपर चार्ज इतने, मास इतने, पेनिट्रेटिंग पावर लार्ज है, आयनाइजिंग पावर जो है आयनाइज करती हैं गैस को, फ्लोरसेंस शो करती हैं और इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड इन पे असर करता है. दे आर डिफ्लेक्टेड. गामा की पढ़ने की जरूरत नहीं है. गामा रेज ईएम वेव्स हैं, याद है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज गामा रेज, सेम उसकी वही प्रॉपर्टीज हैं. दे ट्रेवल विथ 3 × 10 की पावर 8. तो इसको पढ़ने की जरूरत ही नहीं है. सबसे इंपॉर्टेंट है इनमें लॉज, लॉज ऑफ रेडियो एक्टिविटी. लॉज ऑफ रेडियो एक्टिविटी या लॉज ऑफ डिसइंटीग्रेशन, इन लॉज में ये बताया गया है. फर्स्ट लॉ ये बताता है रेडियो एक्टिविटी इज अ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस. तो जो रेडियो एक्टिविटी है एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है विच डज नॉट डिपेंड अपॉन एक्सटर्नल फैक्टर्स लाइक टेम्परेचर, प्रेशर एटसेट्रा. इनके ऊपर रेडियो एक्टिविटी को रोका नहीं जा सकता टेम्परेचर प्रेशर को चेंज करके. एंड इसमें दे फॉलो डिसइंटीग्रेशन फॉलोज लॉ ऑफ चांस. डिसइंटीग्रेशन का मतलब टूटना, एक एटम ब्रेक हो जाता है, एक न्यूक्लियस ब्रेक हो जाता है फ्रॉम अनस्टेबल टू स्टेबल. तो दे फॉलो लॉ ऑफ चांस. लॉ ऑफ चांस का मतलब ये है आपके पास 10 लाख एटम्स हैं यूरेनियम की जो कि डिसइंटीग्रेट होने वाले हैं. आप ये नहीं प्रिडिक्ट कर सकते कि इस एटम का नंबर टूटने का पहले आएगा या उस एटम का आएगा या उस एटम का आएगा, किसी का भी आ सकता है. तो ये चांस की बात है कि कोई एटम पहले टूट रहे, कोई तो T=1 सेकेंड पे टूट जाएगा और कोई 10 साल नहीं टूटेगा क्योंकि रेडियो एक्टिविटी तो बहुत लॉन्ग टर्म प्रोसेस है. तो इसलिए आप ये प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, इट फॉलोज लॉ ऑफ चांस. नेक्स्ट है ड्यूरिंग डिसइंटीग्रेशन ऑफ एन एटम आइदर एन अल्फा और बीटा पार्टिकल इज एमिटेड, बोथ ऑफ दीज पार्टिकल्स आर नेवर एमिटेड साइमल्टेनियसली. दो अल्फा इकट्ठे निकल जाएं या 10 अल्फा इकट्ठे निकल गए, नहीं होगा. ऐसे हो सकता है पहले अल्फा निकला, फिर अल्फा निकला, फिर अल्फा निकला, फिर अल्फा निकला, 10 बार अलग अलग टाइम अल्फा निकलेंगे, साइमल्टेनियसली 10 अल्फा नहीं निकलेंगे क्योंकि एक न्यूक्लियस छोटे न्यूक्लियस में ब्रेक करेगा, एक अल्फा निकलेगा, एक नया न्यूक्लियस बनेगा, उसमें से एक और अल्फा निकलेगा, एक और नया न्यूक्लियस निकलेगा. तो साइमल्टेनियसली निकलेंगे वैसे जितने मर्जी निकलते रहेंगे. तो सेकेंड लॉ भी क्लियर है. थर्ड लॉ, एमिशन ऑफ अल्फा पार्टिकल फ्रॉम एन एटम will change it into new atom whose charge number is reduced by 2 and mass number reduced by 4. तो suppose ये मान लो कोई भी atom है, इसमें से अगर मैं alpha particle निकालता हूँ तो एक नया nucleus बन जाएगा. ये alpha particle है helium-4-2, इसमें से जो 40 है वो -4 हो जाएगा और 20 -2 हो जाएगा. तो इसमें 4 and 2 है तो इसमें वो ठीक कह रहे हैं जब alpha particle निकलेगा चार्ज नंबर इज रिड्यूस बाय 2 एंड मास नंबर रिड्यूस बाय 4, तो इक्वेशन तभी बैलेंस हो पाएगी. और सिमिलरली नेक्स्ट है, अगर मान लो इसमें से कौन सा पार्टिकल निकाला हमने, बीटा पार्टिकल निकाला, तो ये इसको एक नए उसमें कन्वर्ट कर देगा न्यूक्लियस में और बीटा पार्टिकल कुछ ऐसा होता है 0-1. तो जिसमें 40 में तो कोई चेंज नहीं आएगा लेकिन ये 20 किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, 21, ताकि इक्वेशन क्या हो जाए 20. तो ठीक कह रहा है वो कि इट विल चेंज इनटू अ न्यू एटम हुज चार्ज नंबर इज इंक्रीज्ड बाय 1, चार्ज नंबर इंक्रीज बाय 1 एंड मास नंबर रिमेन्स सेम. ठीक,
नेक्स्ट, ये दो रूल समझ में आ गए। नेक्स्ट रूल बड़ा इंपॉर्टेंट है, फिफ्थ। फिफ्थ रूल बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या? नंबर ऑफ एटम्स डिसइंटीग्रेटेड पर सेकेंड, दैट इज रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन ऑफ रेडियो एक्टिव एटम एट एनी इंस्टेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ रेडियो एक्टिव एटम एक्चुअली प्रेजेंट इन द सैंपल एट दैट इंस्टेंट। को समझा सकता है ये रूल क्या है? केमिस्ट्री में क्या हुआ है? नहीं, बड़ा सिंपल रूल है, जिंदगी का रूल है। मेरी जेब में जितने पैसे, मेरा खर्चा उस हिसाब से चलेगा। आज मेरे पास 10 करोड़ है, परवाह ही नहीं करनी, चलने दो जो खर्चा है, कोई चक्कर ही नहीं, पूछना ही नहीं कि रेट कितने का है, बस तू दे दे। अब जब पैसे 100 रुपया रह जाएगा, फिर अब क्या करेंगे? बचा बचा के रखेंगे, 50 रह जाएंगे बचा के रखेंगे, 25 रुपये रह गए अब तो बिल्कुल ही उसको छुपा के रखेंगे, और करते करते 5 रुपये रह गए तो बस वो तो हिस्ट्री के लिए रखेंगे कि देखो मेरे पास 5 रुपये हुआ करते थे। कहने का मतलब ये है कि जितने ज़्यादा एटम्स इनिशियली होंगे, 10 करोड़ 15 करोड़ एटम्स हैं, तो रेडियो एक्टिविटी बहुत तेज चलेगी, एटम पे एटम टूटता जाएगा। लेकिन जब एटम ही मान लो कंटेनर में 10 रहेगा यूरेनियम का, अब वो हो सकता है 10 साल ना टूटे, ठीक। तो कहने का मतलब कि रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन का मतलब खर्चे का रेट, टूटने का रेट, एटम्स के टूटने का रेट डिपेंड करेगा कि उस टाइम पे सैंपल में कितने नंबर ऑफ एटम्स थे। ये नहीं कि शुरू में तो 10 करोड़ थे तो आज भी मेरा खर्चा 10 करोड़ के हिसाब से चलेगा। यार मेरे तो जेब में 2500 रुपये खर्चे गए सारे, अब थोड़ा मैं अब वो रॉयल उससे जीऊँगा, तो ठीक है अब जो थे तो थे, अब मेरे पास कितने नंबर ऑफ एटम है तो मेरा रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन उतना ही रहेगा। तो पढ़ते हैं, नंबर ऑफ एटम डिसइंटीग्रेटेड पर सेकेंड एट एनी इंस्टेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ रेडियो एक्टिव एटम एक्चुअली प्रेजेंट इन द सैंपल एट दैट इंस्टेंट। उस इंस्टेंट पे कितने हैं? फॉर एग्जाम्पल, तो इसमें लेट अस सपोज एन, इसके अंदर मान लो एन नॉट नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट थे जब रेडियो एक्टिविटी स्टार्ट हुई T=0 पे, एन नॉट थे मेरे पास, लेकिन थोड़ी देर में मेरे पास कितने बच गए? एन। तो एन इज नंबर ऑफ एटम्स लेफ्ट एट टाइम T=0, इतने बच गए एट टाइम टी, सॉरी, ठीक। और dn by dt का मतलब क्या है? खर्चने का रेट, टूटने का रेट, और टूटने के रेट के आगे साइन क्या आएगा? माइनस। बढ़ने का रेट पॉजिटिव, टूटने का रेट नेगेटिव। कोई डाउट इसमें? ठीक है यहां तक। तो रेट ऑफ टूटने का रेट, रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन बोलते हैं इसे, तो रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन माइनस dn by dt रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन, और अकॉर्डिंग टू लॉ दिस इज प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ एटम लेफ्ट एट एनी इंस्टेंट। तो नंबर ऑफ एटम कितने बचे हुए हैं किसी इंस्टेंट में? एन। तो माइनस डी एन बाई डी टी इज प्रोपोर्शनल टू एन। को डाउट इसमें? ठीक। अब यहां से कॉन्स्टेंट आएगा लैमडा, क्योंकि यूरेनियम के साथ कर रहे हो या कोई और एटम के साथ कर रहे हो, लैमडा उसके लिए चेंज हो जाएगा। तो मैटर पर डिपेंड करेगा कि क्या एटम ले रहे हो आप। तो इसको बोलते हैं डिसइंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट, डीके कॉन्स्टेंट। यहां से dn और n एक टर्म एक तरफ, बाकी लैम्डा और dt एक तरफ, इक्वेशन आ गई। इस इक्वेशन को इंटीग्रेट करो, ये मैंने इंटीग्रेट किया दोनों साइड्स को, 1 बाय n dn की इंटीग्रेशन log n टू दी बेस e माइनस लैम्डा 1 dt की t, या तो मैथ्स में लिमिट लगाओ इस पे, या फिर यहां पर क्या लगाओ, एक कांस्टेंट लगा दो। तो मेडिकल लोग समझ लें, एक कांस्टेंट c लग जाता है। c की वैल्यू कैसे निकलती है? कंडीशन के साथ। कैसे? जब टाइम जीरो था, एक्सपेरिमेंट स्टार्ट हुआ था, नंबर ऑफ एटम कितने थे? एन नॉट थे। T=0 स्टार्टिंग में नंबर ऑफ एटम एन नॉट थे, और एट टाइम जब यहां जीरो पुट करोगे तो ये टर्म जीरो, एन की जगह क्या पुट करेंगे? एन नॉट। तो सी की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी? जीरो, और यहां पर लॉग ऑफ एन नॉट। तो सी की वैल्यू क्या आ गई? लॉग ऑफ एन नॉट। इस C की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे तो आपके पास क्या आएगा? आपके पास C आ जाएगा। तो C की वैल्यू को उठा के ऊपर पुट कर दिया, ये वैल्यू आ गई, log n माइनस log ऑफ n नॉट इज माइनस लैम्डा t, log a माइनस log b इज log ऑफ a बाई b माइनस लैम्डा t,
लॉग राइट साइड पे जाएगा, मैथ्स में तो ई बेस था तो ई रेज टू पावर माइनस लैम्डा टी, या एन इज इक्वल टू एन नॉट ई रेज टू पावर माइनस लैम्डा टी। इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसको प्लीज बॉक्स में डाल लो, याद करना है। ठीक, तो एन इज इक्वल टू एन नॉट ई रेज टू पावर कितना माइनस लैम्डा टी, वेयर एन इज नंबर ऑफ एटम्स लेफ्ट, और एन नॉट का मतलब टोटल नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट एट टाइम टी इज इक्वल टू जीरो। फॉर्मूला क्लियर है यहां तक? तो आज के बाद अगर मैं ये पूछूं कि 10 मिनट बाद या 1 घंटे बाद या 2 दिन बाद नंबर ऑफ एटम लेफ्ट बताओ, तो इस फॉर्मूले में टाइम को पुट करके नंबर ऑफ एटम लेफ्ट आ जाएगा। ठीक है यहां तक? कोई डाउट इसमें? इसका अगर ग्राफ प्लॉट किया जाए तो मैथ्स वाले लोग समझ सकते हैं एक्सपोनेंशियल ग्राफ कैसे बनता है। हमने ट्रांजिएंट करंट में भी किए थे एक्सपोनेंशियल ग्राफ, तो ऐसे बनता है। तो ये ग्राफ, इसका जब प्लॉट करोगे नंबर ऑफ एटम लेफ्ट का और टाइम का, तो ग्राफ ऐसे बनेगा। जो ये शो करता है एट टाइम टी इज इक्वल टू जीरो नंबर ऑफ एटम कितने हैं, एन नॉट। ये देखो, इसमें टाइम टी इज इक्वल टू जीरो पे एन इज इक्वल टू एन नॉट ई रेज टू पावर जीरो, एनीथिंग रेज टू पावर जीरो इज वन, तो एन की वैल्यू क्या होगी, एन नॉट। तो टाइम टी इज इक्वल टू जीरो पे ग्राफ एन नॉट से स्टार्ट होगा, एंड एट टाइम टी इज इक्वल टू इन्फिनिटी, इन्फिनिटी का मतलब बहुत देर के बाद, ये माइनस इन्फिनिटी हो जाएगा, तो एन इज इक्वल टू एन नॉट बाई ई रेज टू पावर इन्फिनिटी, विच इज इन्फिनिटी, वन बाई इन्फिनिटी इज जीरो। यानी कि टाइम इन्फिनिटी पे जाके नंबर ऑफ एटम लेफ्ट क्या हो जाएंगे, जीरो, यानी कि कभी जीरो नहीं होंगे, ये एक्सिस को कभी टच नहीं करेगा। तो रेडियो एक्टिविटी कब खत्म होगी मालूम नहीं, कि नंबर ऑफ एटम कब जीरो होंगे, तो कई साल तक चलती जाएगी। क्लियर है यहां तक? तो ग्राफ क्लियर है? ठीक, नेक्स्ट है डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट। डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट लैम्डा की एक मैथमेटिकल डेफिनेशन है। मैथमेटिकल डेफिनेशन ये है, नंबर ऑफ एटम लेफ्ट का ये फॉर्मूला, इसमें अगर टाइम को 1/λ पुट कर दें, दैट इज रेसिप्रोकल ऑफ डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट। तो एक काम करते हैं, तो यहां पर क्या वैल्यू आएगी, एन नॉट ई रेज टू पावर माइनस लैमडा इन टू 1/λ, लैमडा और लैमडा कैंसल, तो ई रेज टू पावर माइनस वन एन नॉट ई, तो एन इज इक्वल टू 1/e इन टू कितना, एन नॉट। ठीक, तो डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट यहां से लैमडा उस टाइम का रेसिप्रोकल है, लैमडा उस स्मॉल टी का रेसिप्रोकल है। कौन सा टी, जब आपने उस टी को यहां पर पुट किया तो नंबर ऑफ एटम लेफ्ट टोटल नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इंटू 1/e टाइम्स था। कहने का मतलब डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट ऑफ अ रेडियो एक्टिव एलिमेंट इज रेसिप्रोकल ऑफ टाइम, तो लैम्डा इज इक्वल टू 1/t, एट द एंड ऑफ विच, ये वो टाइम है नंबर ऑफ एटम लेफ्ट अनडिकेटेड जो बच गए, कितने टाइम्स हो जाएंगे, 1/e टाइम्स जितने उसमें ओरिजिनली प्रेजेंट थे। एक मैथमेटिकल डेफिनेशन है, वैसे थ्योरेटिकली इसका मतलब क्या होता है कि डिफरेंट डिफरेंट एटम्स को रिप्रेजेंट करता है, यूरेनियम का डिफरेंट होगा, किसी और मैटर का डिफरेंट होगा, तो हर कोई तो सेम रेडियो एक्टिविटी का रेट नहीं शो करेगा, हर कोई डिफरेंट करेगा। ठीक, हाफ लाइफ ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट। हाफ लाइफ ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट का मतलब कि वही आप समझ सकते हो, 10 करोड़ थे, 5 करोड़ कितने टाइम में खत्म किए, वो हाफ लाइफ है मेरा। फिर 5 के 2.5 हो गए, कितने टाइम में, सेकेंड हाफ लाइफ है। 2.5 के फिर आधे रह गए, थर्ड हाफ लाइफ है। ऐसे करते 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 मैं आधे आधे करता गया तो मेरे हाफ लाइफ बढ़ते गए। बस आधा आधे पैसे कितनी देर में होंगे, इसमें आधे एटम्स कितनी देर में होंगे, हाफ लाइफ है।